हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो कैसे आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और फिर आज मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सफ़र। दोस्तों अभी हम सुंदरनगर में हैं, अभी बचे हैं दिन के 3:15 और मैं अपनी टैक्सी को ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर सुंदरनगर में। तो चंडीगढ़ से हम आए थे सुबह सुबह और यहाँ से अभी मैंने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया है सुंदरनगर टू मनाली। तो स्टे मनाली में होने जा रहा है। तो आज का ब्लॉग ऑन रोड ट्रिप फ्रॉम सुंदरनगर टू मनाली रहने वाला है। और तो आप बने रहिए इस ब्लॉग में, आपको सब कुछ दिखाने वाला हूँ आज के एक्सप्लोर। मेरी तो टैक्सी से आगे की जर्नी शुरू करते हैं इस ब्लॉग में। वो बंद नहीं होगी, चलिए चलो। दोस्तों अभी जस्ट हम मंडी में पहुंचे हैं।
पंडो डैम आने वाला है। नदी पूरी सूखी हुई है, कोई भी वाटर फ्लो ज़्यादा नहीं, कुछ भी। मानसून फिर से आएगी तो देखते हैं कैसा रहेगा इस साल का मानसून। आपके जस्ट ठीक सामने पंडो डैम एंड यहाँ के नज़ारे, यहाँ की वादियाँ और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट भी है। बहुत पुराना ये प्रोजेक्ट है, आप देख सकते हैं। ब्यूटीफुल वेदर, वेरी क्लियर एंड क्रिस्प। ये नीचे लेन की वजह से ये पूरा वन वे कर रखा है। ये डैम का फ्रंट व्यू है, आप देख सकते हैं। और एक्चुअली जाना था राइट साइड, तो लेफ्ट साइड का बना रखा है अभी वे, वन वे कर रखा है। पूरा घूम के अब ऊपर जाना है, फिर ऊपर से मैं इसका व्यू दिखाऊंगा। तो ये है पूरा नज़ारा पंडो डैम का ऊपर से। इनक्रेडिबल वर्क की बात कर रहा था आपसे, ये कुछ ही टाइम के बाद रेडी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर टनल में ही आपको सफ़र करना पड़ेगा। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा और स्मूथ जर्नी रहने वाली है एज कम्पेयर टू दिस। आप देख सकते हैं झटके, जो कि टनल है सामने रेडी हो चुकी है। और ये ब्रिज आप देख सकते हैं, बहुत ही हाई टेक है और एकदम शानदार तरीके से तैयार की गई है। ये देख सकते हैं ब्रिज आप, और हम भी इसके अंदर जाएंगे अब। तो आप दिल थाम के बैठिए एंड एंजॉय दिस जर्नी विद मी। हम अंदर टनल नंबर 11, तो मतलब टनल ही टनल है इस रोड में। आपको
टनल के बाद टनल गाइस, ये क्या हो रहा है आज? तो ये है एक सरप्राइज आप सबको मेरे ब्लॉग में। राइट, तो ये आ गया इसका एंड। तो देखते हैं कि कौन सी दूसरी जगह ये ले जा रहा है, दूसरी तरफ, कुल्लू की तरफ, जैसा कि देखने को मिल रहा है। बहुत लंबी टनल, दो टनल है दोस्तों तकरीबन, जो मुझे फील हुआ कम से कम 5 किलोमीटर की टनल होंगी दोनों, जो मुझे लगा और आपको शेयर कर रहा हूँ। और ये पूरा फ्लाईओवर के ऊपर है अब रोड, जो आप देख सकते हैं। और मेरे सामने एक और टनल आती हुई, टनल नंबर 13। जीबी से आने वालों को यहाँ पे मिलाती है। और ये है पुरानी टनल, आप देख सकते हैं डिफरेंस और उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा। उन दिनों की टनल ऐसी होती थी और आज का जो मॉडर्न इंडिया है उसकी टनल आपने देख ही ली। ये टनल भी 3 किलोमीटर है और मैं इस टनल को ऑलमोस्ट अपने स्कूल डेज से याद करता हूँ। राजी टनल, चलिए एंजॉय कीजिए इस पुरानी टनल को भी। शाम के बजे हैं 5:16, एक्सपेक्टेड अराइवल एट मनाली विल बी अराउंड 7 PM आई गेस। देखते हैं, बाकी तो वी कैन एक्सपेक्ट ओनली, रेस्ट इज बेस्ड ऑन द सिचुएशन। लेकिन बहुत ही बेहतरीन ट्रिप होने वाला है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पूरे ब्लॉग को एंजॉय करें एंड शेयर योर कमेंट्स आल्सो। तो सामने देख सकते हैं भुंतर एयरपोर्ट, कुल्लू 16, मनाली 56। और हम हैं यहाँ पर भुंतर में।
साइड को कुल्लू सिटी, और फोर लेन आने की वजह से ये पूरा रोड अब कंप्लीट सेग्रीगेट किया गया है। फोर लेन इस तरफ को है, बीच में रिवर्स ब्यास और लेफ्ट साइड में कुल्लू सिटी। तो उसमें जो रोड है वो मार्केट का रोड, वो ओनली कुल्लू जाने वाले के लिए है, और जिसको मनाली जाना है दे कैन डायरेक्टली टेक दिस रोड। तो देख सकते हैं आप, शाम होने को है, आगे एक ब्रिज भी आएगा, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंप्लीट कुल्लू एयर इज, और पैराग्लाइडिंग होती हुई मेरे कैमरे में कैद, आप देख सकते हैं। दैट्स द एडवेंचरस पार्ट। ये थोड़ा दिखा देता हूँ, जो लास्ट मानसून का कहर आया था तो देखिए कैसे पूरा फ्लश करके गई थी रिवर ब्यास। जो बताया था ब्रिज, हम ब्रिज के टॉप पे आ चुके हैं। अच्छा, इस ब्रिज में जा रहे हैं? ये ब्रिज, हाँ, ये सामने बर्फ की पहाड़ी। अच्छा, ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा होगा पुराने रास्ते से। हाँ, एक्चुअली ओल्ड रोड ये था, नीचे जो है ना ब्रिज के नीचे से जो आ रहा है ये ओल्ड रोड था, तो अब ये न्यू को इसका मतलब इन्होंने मनाली के लिए नहीं बनाया अभी कुछ। ये हम कुल्लू सिटी को पीछे छोड़ते हुए पतली कुल एंड मनाली आगे आएगा, और रोहतांग एंड ले। दोस्तों आप देख सकते हैं, आप मनाली में, मनाली से पीछे पीछे ये है सारा लास्ट ईयर का जो लॉस है। आप देख सकते हैं कितना मलबा है भरा पड़ा यहाँ पर, और कितनी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो ये है सारा दृश्य आपके सामने, आप देख सकते हैं रिवर, रिवर के ऊपर कितना मलबा है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, एप्पल ब्लूम भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये फ्लावरिंग हो रही है, और ऊपर बर्फ की पहाड़ियाँ आप देख सकते हैं। ये मैं कह रहा था इस बार फ्लावर भी काफ़ी फ्रेश लग रहा है, और ये है प्लम एंड एप्रिकॉट एप्पल्स, और यहाँ पर पोमेग्रेनेट भी होता है मनाली में, सब तरह के फ्रूट यहाँ पर हैं। और हम मनाली की तरफ जाते हुए आगे, और सामने बर्फ की पहाड़ है, आप इंजॉय कीजिए। देख सकते हैं नुकसान और ज़्यादा दिख रहा है, अभी भी कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, और इस नदी को तो क्या इम्प्रूव करेंगे, लेकिन रोड ठीक है, जो जो कटी थी ऑलरेडी जुड़ चुकी है, और नदी आजकल पूरी सूखी हुई है आप देख सकते हैं, और पहाड़ों में पूरी बर्फ जमी हुई है। तो ये है समर स्टार्टिंग टाइम, पहुँचते हुए कुछ ही मिनटों में फिर दिखाता हूँ आगे। ये देखो जी, टोटल लॉस, टोटल लॉस। ये तो अभी एक साल, ऑलमोस्ट एक साल होने को है अभी हम देख पा रहे हैं, लेकिन लाइव नज़ारा कैसा रहता होगा, क्या कितने लोग यहाँ फंसे होंगे, और सामने बर्फ़ की पहाड़ियाँ देखिए। वाइफ
सामने और धीरे धीरे शाम रात मैं धरती हुई। शाम के 6:36 हो चुके हैं अभी। बर्फ की पहाड़ियाँ और घने जंगल इस तरह के आपके होटल्स जो आपको स्टे का एक अद्भुत एक्सपीरियंस देते हैं वाइल्ड लिविंग हियर एंड इन द सेंटर रिवर विच इज नॉट एट द मोमेंट द ब्यूटी इज डेफिनेटली ऑसम। और करीब से देख लीजिए इस नज़ारे को जो आपके सामने भी है। से रास्ता मुड़ता हूँ अपने होटल की ओर एंड थोड़ा सा रोड खराब है वही। इधर ही चलते हैं दोस्तों। हाँ सीधा हमारे होटल की तरफ जाने के लिए बहुत ऊपर आना पड़ा। ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर फ्रॉम मेन सिटी और बहुत झटके भी लग रहे हैं लेकिन व्यू तो लाजवाब है। लाजवाब व्यू और ऊपर जा रहे हैं। देखिए तो दोस्तों पहुंच गए यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा चैलेंज हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हुई यहाँ पहुंचने के लिए क्योंकि जो हमें लिंक भेजा गया था मेल पे उसको फॉलो करते गए हम और इसलिए हमें लग रहा था कि हम तो मनाली के ऊपर टॉप में जा रहे हैं और जहाँ से बहुत सारा व्यू दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और हम कम से कम 20 मिनट अपना इसमें वेस्ट कर गए, इसलिए रात भी होगी अब आप देख सकते हैं। और हम जस्ट मॉल रोड के पास में ही है, होटल का नाम कैन व्यू है और यहाँ पर 2 नाइट का स्टे होने वाला है। तो इसी में ही मनाली में क्या क्या मैं कवर करूँगा वो सब एक ब्लॉग में आपको आके नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो आज के लिए बहुत टायर्ड भी हो गए हैं और मैं आशा करता हूँ ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और कुछ भी हो आप कमेंट में शेयर ज़रूर करना। और ये है होटल कैन व्यू और मतलब आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे मतलब एवरी नेक्स्ट देयर इज़ ए होटल। सो चलिए फिर मिलते हैं कल। अभी थोड़ा अपना डिनर की तैयारी करते हैं फिर मिलेंगे।